जम सीधी सारे नू आइए अज का वचन करने हैं शुरू। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 14वीं आयत नू मैं पढ़ूंगा। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु में रहता है। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष करे, हड़ नक गल करे, हड़े सारे अंदी कमी घटिया परमेश्वर अपने इस वचन दे द्वारा पूरा करे। आइए ही प्रार्थना करनी है। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके प्रणाम करते हैं, समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएँ और चलाएं और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को प्रभु जी पूरा करें, 100 गुना प्रभु जी फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी वचन को प्रभु जी बोल सकूँ। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत दिन दा ही इको एक वचन दे उत्ते ध्यान करन दे हाँ, भरावां दे बारे विच, भरावां दे रिश्तियां नू वेखण दे हाँ कि परमेश्वर ने बहुत दिनों तो बहुत सारे वचन दिते आ। एक एक वचन नू हानू दिता वागा, भरावां दे नाल हानू कितना रहना चाहिदा वागा, कितना सानू प्यार दे नाल रहना चाहिए, कितना सानू सुलाह कर लेनी चाहिए है। जे अही अपने भरावां दे नाल नफरत करांगे ते हाडे नाल की हो सकता वा, जे अही अपने भरावां दे नाल प्यार करांगे ते हाडे जीवन दे विच आशीष कितना आ सकती है। इस सारे वचनां दे अही ध्यान करदे आए अगे। ओ भैण और भाओ, वचन विच लिखिया वा कि जो भरा भरा आपस में मिलजुल के वसदे आ, और किन्नी सोहनी और किन्नी वधिया गल आ कि भरा भरा आपस में मिलजुल के वसदे आ। जो भरा भरा आपस में मिलजुल के वसदे आ उदो पिता परमेश्वर की महिमा होंदी आ, और लोग भी कहिंदे आ कि वेखो ये मसीह लोग आ गए। पर जो भरा भरा मिलजुल के नहीं गए वसदे, नहीं गए रहिंदे एक दूसरे के नाल, तो उदो उदो पिता परमेश्वर की निंदा भी होंदी आ, और लोग वेख के आते आ कि वेखो चर्च जाते और बपतिस्मा लेंदे है। बपतिस्मा भी इन्होंने लै लिया वगा। अज परमेश्वर इस वचन के नाल अड़ना गल कर दिया वा, अही अपने भरा दे नाल कितना रहने, अही परमेश्वर की निंदा करने या परमेश्वर की महिमा करने, अही अपने भरा दे नाल साडा रिश्ता कितना दा वगा। वचन कहिंदा वा पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 14वीं आयत में लिखा है कि हम जानते हैं कि मृत्यु से पार होकर हम जीवन में पहुँचे हैं, हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, जो भाई से नहीं प्रेम रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। भैन और भ्राओ, वचन में लिखा वा पहला यूहन्ना और 14वीं आयत में लिखा वा कि अही मौत नू पार करके जीवन में पहुँच गए हाँ, क्योंकि अही अपने भरावां नू की करने हाँ प्यार करने हाँ। पर जेड़े अपने भरा दे नाल प्यार नहीं का करता, नफरत करता वा, वो मौत विच ही हमेशा हमेशा वाती रहिंदा वगा। ओ भैन और भ्राओ, वचन विच लिखिया वा कि अही हुण जीवन विच पहुँच गए हाँ, क्योंकि हाडे जीव हाडे क्योंकि अही अपने भरावां नू प्यार करने हैगे। ओ भैन और भ्राओ, जीवन विच पहुँचन दा मतलब की हैगा? ओ भैन और भ्राओ, जीवन विच पहुँचन दा मतलब ये आ कि प्रभु यीशु मसीह नू अही जान लिया वा। प्रभु यीशु मसीह दा जिहड़ा प्यार आ वो हाडे अंदर आ, और जो हाडे अंदर प्यार रहूगा तो अही अपने भरावां दे नाल भी प्यार करांगे, और जिहड़ा कोई अपने भरा दे नाल प्यार करूगा वो जीवन विच पहुँच गया वगा, उहदे जीवन दे विच आशीष ही आशीष हैगी। पर जेड़ा अपने भरा दे नाल नफरत करता वा वो हजे तक मौत विच ही जिंदा वा, वचन विच लिखिया वगा। ओ भैण और भ्राओ, हर एक इंसान इस धरती दे विच पैदा हुंदा वा, और हर एक इंसान मर भी जांदा वगा। हर एक इंसान का जरूरी है पैदा होना, और हर एक इंसान का जरूरी है कि मर भी जाना। जो वो पैदा हुंदा वा इंसान उदो वो धरती ते जिंदा वा, पर जो मर जाता वा इंसान उदो दो जगह पहुँचता वा, एक स्वर्ग आ और दूसरा नरक आगा। ओ भैण और भ्राओ, साढ़े प्रभु यीशु मसीह इस करके इस दुनिया में आए,
इस करके उन्होंने साडे वास्ते अपनी जान दे दी ताकि अही भी नरक विच कोई ना जाइए, हर कोई अनंत जीवन का वारिस बने, यानी कि परमेश्वर के नाल राज्य करने वास्ते अही उत्थे पहुँचीए। ओ भैन और भ्राओ, अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन डिया वा। बहुत सारे लोग आ जिहड़े कि प्रभु यीशु मसीह पैदा होने के बाद और थोड़े दिनों के बाद जो प्रभु यीशु मसीह नू जान लेंदे आ ते तौबा कर लेंदे आ, बपतिस्मा लै लेंदे आ गे, और फिर परमेश्वर की कलीसिया विच पहुँच जाते आ, और कलीसिया विच पहुँच के फिर परमेश्वर की महिमा करते आ, गाने भी गाते आ गे, और इहदा मतलब ये आ कि वो जीवन दे विच पहुँच गए आगे, और जीवन दे विच उन्होंने जीवन दे विच आशीष मिलती आ, और जो मर भी जाते आ उदो भी वह परमेश्वर के नाल हमेशा हमेशा वाती राज्य करते है। ओ भैन और भ्राओ, और भी दूसरे लोग आ जिन्होंने बपतिस्मा लिया वा, तौबा भी की आ, परमेश्वर के घर में आते हैं, दान भी देंगे, सेवा भी करते है, पर वो सोचते पर वह भी अनंत जीवन के वारिस है। पर जे वो अपने भरा दे नाल नफरत करनगे बपतिस्मा लैन के बाद, तौबा करन दे बाद, परमेश्वर नूं जानन दे बाद, ते इहदा मतलब ए आ अनंत जीवन दे वारिस नहीं होणगे, उहनां दे जीवन दे विच मौत ही रहूगी। ओ भैण भाओ, मरन दे बाद वो सीधा नरक विच पहुँचणगे। वचन कहिंदा वा कि जिहड़ा अपने भरा नूं प्यार करदा वा वो जीवन दे विच पहुँचदा वा गा, पर जिहड़ा अपने भरा दे नाल नफरत करदा वा वो मौत विच जिंदा वा गा। ओ भैण और भाओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडा गल करन डिया वा। तुसीं कित्थे पहुँचे जे? जीवन विच पहुँचना चाहुंदे जे या मौत विच पहुँचना चाहुंदे जे? साडा प्रभु यीशु मसीह इस करके इस दुनिया में आया ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਾਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾਗਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਉਹ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗੀ? ਮੌਤ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਊਗੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਵਚਨ 14:15 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਹੱਤਿਆਰਾ ਵਾਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਤਿਆਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਨਾ ਖਲੋਊਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੇਖ ਨਾ ਲਏ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਾ ਲਏ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੌੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਭਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਾ ਲਏ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਹੱਤਿਆਰਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਜਲਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੱਤਿਆਰਾ ਵਾਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਤਿਆਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਦੀ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਲਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦੌੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਵਾ,
और सवेरे उठ के परमेश्वर की महिमा करता वा। ओ भैन और भाओ, अज परमेश्वर नूं पुछण डिया वा, जेड़ा कोई अपने भरा दे नाल नफरत करता वा गा, जलन रखता वा, वह हत्यारा वा। और हत्यारे दे जीवन दे विच कदी भी अनंत जीवन नहीं हुंदा, यानी कि कदी भी उन्हें खुशी कोई भी नहीं मिलती। ओ भैन और भाओ, परमेश्वर इस दुनिया विच इस करके आया तक हनु सारे नूं वो खुशी दे सके। ओ भैन और भाओ, वचन 16 में लिखिया वा कि मैं परमेश्वर ने के वचन में लिखिया वा कि परमेश्वर आंदा वा कि मैं जगत दे नाल तुहाडे सारे दे नाल बहुत प्यार किया और मैं तुहाडे वास्ती अपनी जान दे दित्ती, अपना खून बहा दिता। तुहानू भी अपने भरावां दे नाल इतना ही करना चाहिए वा, हानू भी अपने भरावां वास्ते जान दे देनी चाहिए हैगी। ओ भैन और भ्राओ, हुण जान दे देनी चाहिए आ। प्रभु यीशु मसीह दे वचन में लिखिया वा कि जितना मैं तुहाडे वास्ते जान दित्ती आ, तुहानू भी एक दूसरे वास्ते जान देनी चाहिए आ। हुण जान देने का की मतलब हैगा, जान किन्ने दित्ती आ? जान सिर्फ इको एक दे सकता वा, वो प्रभु यीशु मसीह आ। उहदे सिवा होर किसी नूं भी अधिकार नहीं आ जान देन दा। ओ भैन और भरा, पर भरावां नूं कहा गया वा कि तुसीं भी अपने भरावां वास्ते जान दे दो। बहुत सारे लोगों नूं वेख्या वा, भरावां दी जान जरूर लै लैणगे पर जान कदी भी दे नहीं गे सकदे। ओ भैन और भरा, जान देन दा मतलब की हैगा? भरावां नूं जान देन दा मतलब ए आ, ए नहीं कि अपने जान दे दो। जान देन दा मतलब ए आ कि अपने भरा नूं समझ लो, अपने भरा नूं प्यार करो। जे वो दुख और तकलीफ विच आ, उन्हें समझना ही जान देना वा। अपने भरा नूं अगे वधदा वेख के उहदे नाल खुश रहना ही जान देना वा। अपने भरा नूं तकलीफ विच वेख के उहदा सहारा बनना ही जान देना वा। जदों अही अपने भरा नूं समझांगे, जदों प्यार करांगे, उहनूं अपने नाल लै के चलांगे, इहदा मतलब आ कि जान देना ही हैगा। ओ भैन और भ्राओ, किन्ने लोग आ जिहड़े अपने भरावां नूं समझदे हैगे, अपने भरावां दी मदद करदे आ, अपने भरावां दा सहारा बनदे हैगे। ओ भैन और भ्राओ, परमेश्वर दे वचन विच लिखिया वा कि जिहड़ा नफरत करदा वागा वह हत्यारा वा, और हत्यारे दे जीवन दे विच अनंत जीवन नहीं हुंदा। जिहड़ा अपने भरा दे नाल नफरत करदा वा, इहदा मतलब ए आ कि वह हत्यारा वा, और हत्यारे दे जीवन दे विच अनंत जीवन नहीं हुंदा। ओ भैन और भ्राओ, कदी कदी अही अपने बच्चिआं नाल बहुत ज़्यादा प्यार करने आ, अपने बच्चिआं दी हर एक खुशी नूं पूरा कर दिंदे आ, अपने बच्चों की मुश्किलों अं पहचान लें, अपने बच्चों समझ लें, उन्होंने गहराई में भी। पर कभी कभी अही अपने भरा समझ नहीं पाते, अही अपने भरा कभी अपना प्यार ही नहीं विखालते, अपने भरा अही अनाद करके छड़ दिने गे। ओ भैन और भ्राओ, अज परमेश्वर इस वचन के नाल गल कर दिया वा। परमेश्वर आखन दिया वा जितना तुम अपने भरा जितना तुम अपने बच्चों के नाल प्यार करते जे, जिस तरह तुम अपने बच्चों का दुख दर्द समझते जे, इस तरह ही तुम अपने भरावों का भी दुख और दर्द भी समझना चाहिए वा। तुम भी जिस तरह तुम अपने बच्चों के नाल प्यार करते जे, उस तरह तुम अपने बच्चों को भी अपने भरा दे नाल भी प्यार करना पवेगा। जिस तरह तुम अपने बच्चों को अनाद नहीं कभी छड़ते, कल्ला नहीं छड़ते, इस तरह ही तुम अपने भरा भी कभी अनाद नहीं छड़ना चाहिए, कभी उन्हें कल्ला नहीं छड़ना चाहिए। ओ भैन और भ्राओ, अज परमेश्वर इस वचन के नाल हटना गल कर दिया वा। वचन में लिखा वा क्या ही हुण मौत नूं अही पार करके जीवन में पहुँच गए हाँ, क्योंकि अही अपने भरावां नूं प्यार करने आ। पर जिहड़ा अपने भरा नूं प्यार नहीं करदा, वह कित्थे मौत दे विच ही जिंदा वगा। ओ भैन और भ्राओ, प्रभु सानूं मौत विचों बाहर कढ़न आया वगा। वचन विच लिखिया वा जिहड़ा अपने भरा दे नाल नफरत करदा वा वह हत्यारा वा, और कोई भी हत्यारे दे जीवन दे विच अनंत जीवन नहीं हुंदा। परमेश्वर पिता इस करके इस दुनिया में आया ताकि सानू अनंत जीवन का वारिस बना सके। वचन में लिखिया वा कि प्रभु यीशु मसीह आंदा, जितना मैं तुहाडे वास्ते जान दित्ती आ, तुहानू भी अपने भरावां वास्ते जान दे देनी चाहिए है। ओ भैन भ्राओ, जान देने का मतलब ये आ कि अपने भरावां की कमजोरियां वेखो, अपने भरावां की जरूरतों वेखना ही जान देना वा, उहदी मदद करना ही जान देना वा। वह दुख और तकलीफ विच आ, उहदी मदद करना सहायक बनना ही
जान देना वा, अपने भरा नूं कदी अनाद ना छड्डना इह जान देना वा। जिस तरह ही अपने बच्चों नूं प्यार करने हां अपने भरा नूं भी प्यार करना यह भी जान देना वा। ओ भैन और भरा, परमेश्वर चाहुंदा वा कि भरा भरा आपस में मिलजुल के वसन, तो किन्नी सोहनी और किन्नी वधिया गल आ। जो भरा भरा आपस में मिलजुल के वसदे आ उदो पिता परमेश्वर की महिमा होंदी आ, पर जो भरा भरा मिल के वसदे नहीं है, लड़ाई झगड़े करते आ, उदो पिता परमेश्वर की निंदा होंदी आ। ओ भैन और भरा, सानू करना की आ, परमेश्वरानू जीवन में पहुँचाना चाहता वा, परमेश्वरानू अनंत जीवन का वारिस बनाना चाहता वा, परमेश्वरानू प्यार दे नाल भरना चाहता वा। किस तरह? बस एक छोटी जी प्रार्थना करनी है, प्रभु जी मैनू माफ़ कर दे, मैं अपने भरा दे नाल नफरत करना वा, जलन कर रखना वागा, मैनू माफ़ कर दे, मैनू अपने खून दे नाल धो के पवित्र कर, मैं अपने बच्चों के नाल प्यार करना वा, मैं अपने बच्चों नू समझना वा, मैं अपने बच्चों की जरूरतों नू पूरा करना वा, मैं अपने बच्चों नू कभी अनाद नहीं छड़िया, पर अपने भरा नू मैं अनाद छड़ दिता, उहदी जरूरतों नू नहीं पूरा किया, उहनू कभी समझिया नहीं और ना ही कभी उहनू प्यार किया। जिस तरह मैं अपने बच्चों के नाल प्यार करना वा प्रभु जी, अज तो मैं अपने भरावां दे नाल भी उतरा ही प्यार करूँगा। जे यही प्रार्थना करांगे तो परमेश्वर इस प्रार्थना नू सुन के हानू आशीष देगा और माफ़ करूँगा। ओ भैन और भरा, कोई भी हत्यारे दे जीवन दे विच अनंत जीवन नहीं आ, जेड़ा अपने भरा दे नाल नफरत करता वा उहदे जीवन दे विच भी अनंत जीवन नहीं आ, जेड़ा अपने भरा नू प्यार करता वा उहदे जीवन दे विच आशीष और अनंत जीवन आ। परमेश्वर तुहानू बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।